बिल्कुल अच्छे होंगे आप, और आज एक नई शुरुआत के साथ आपके पास आए हैं। बेसिकली SBTE ने आपका नया सिलेबस जारी कर दिया है सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, और ये जो है आपका इस बार से इफेक्टिव लागू है। जो लोग बच्चे थर्ड सेम में जा रहे होंगे इस बार, तो मैं स्पेशली इलेक्ट्रिकल का सिलेबस का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच डिप्लोमा SBTE बिहार का सिलेबस है, थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है आपका। थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है, या आप थर्ड सेम में अगर होंगे तो इस सिलेबस को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका कौन कौन सा सिलेबस, इसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहला जो सिलेबस है आपका इंट्रोडक्शन टू पावर जनरेशन है। ये पहला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू पावर जनरेशन है। दूसरा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट है। तीसरा जो है से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट है। इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर है। फंडामेंटल और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये आपको पांच सब्जेक्ट बेसिकली आपको पढ़ना है। ये पांच सब्जेक्ट जो बेसिकली आपको पढ़ना है, तो इसके पांचों के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए पांचों के बारे में, तो सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जो है, ये ऑलरेडी पिछले सेमेस्टर में आप लोग इसको पिछले सिलेबस में भी था, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ सिलेबस को ऐड किया है, चेंज किया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट पहले भी था, और जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से, यहाँ भी इलेक्ट्रिक सर्किट ही है, थोड़ा सा सिलेबस इसमें भी चेंज है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट आपका पहले भी था, यहाँ पर भी है, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस चेंज है। इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर, ये सब्जेक्ट जो था से फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल को पढ़ना था, लेकिन अब जो है से नया थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल में ये वाला दे दिया है। तो थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल में फोर्थ सेम में था DC मशीन एंड ट्रांसफार्मर करके, लेकिन यहाँ पर दिया आपका इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर, और लगभग बोल सकते हैं कि ये इक्वलेंट टू द आपका प्रीवियस सिलेबस ही है, ठीक है। जो कि मैं पिछले सेमेस्टर में पुराने सिलेबस के हिसाब से फोर्थ सेमेस्टर का मैं बुक भी लिखा था, इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर, जो कि फाउंडेशन पब्लिकेशन का था। तो इस बार भी मैं बुक आपका लिख रहा हूँ, जो कि आपका दो बुक मेरा मार्केट में बहुत जल्दी ही आ जाएगा कमिंग सून में, जो कि आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट का एक मेरा बुक आने जा रहा है मार्केट में, और एक बुक मेरा आएगा इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर का। ये दोनों बुक जो होगा सिर्फ फाउंडेशन पब्लिकेशन का बुक होगा, ये मार्केट में कुछ दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर वर्क भी कर रहे हैं, थोड़ा सा डिले होगा, टाइम लगेगा, लेकिन ये बुक मेरा आ जाएगा आपका, ठीक है, मार्केट में बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में। SBTE स्टूडेंट को देखते हुए सिस्टमेटिक वे में बुक को लिख रहे हैं। इसके अलावा जो है एक और सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पिछले बार अलग से नहीं पढ़ना था, लेकिन इस बार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसमें दे दिया है। पिछले बार केवल आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स करके सब्जेक्ट था थर्ड सेम में, तो ये थोड़ा सा एडिशनल सिलेबस है, बेसिक और डिजिटल दोनों को मिला दिया है। तो आपका ये सिलेबस है, किसमें क्या मार्क्स का जो वेटेज है, जैसे कि आपका पहले मार्क्स का वेटेज था सेम सिमिलर वे में, अब देखिए मार्क्स का कैसे वेटेज है। अगर हम बात करें मार्क्स का वेटेज, 70 मार्क्स का पहले भी एग्जाम होता था मेन एग्जाम, और आपका 30 मार्क्स इंटरनल रहता था, सेम BC सिमिलर है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, केवल सब्जेक्ट में चेंजिंग है, इंटरनल कंटेंट में चेंजिंग है, ठीक है। तो ये जो है से आपका बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में आपको इसको हम लोग तैयारी करने में लग गए हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में। बहुत ही जल्दी इसका क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बोथ दोनों मोड में, रिकॉर्डेड मोड में भी, और साथ ही साथ आपका लाइव मोड में भी। इस बार दोनों तरह से क्लास चलेगा, लाइव मोड में भी चलेगा, रिकॉर्डेड मोड में भी चलेगा। यूट्यूब पर भी कुछ सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊंगा फुल्ली डिटेल्स में, सारे टॉपिक को कवर करूंगा, और ये जो है आपका लाइव और रिकॉर्डेड दोनों रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं और अंदर सिलेबस का, कि सिलेबस में और क्या क्या है, सिलेबस में क्या क्या है। तो सबसे पहला सिलेबस अगर हम बात करें तो ये जो है पावर जनरेशन का है। तो पावर जनरेशन में क्या क्या पढ़ना है, थर्मल पावर प्लांट, कोल, गैस, डीजल, न्यूक्लियर बेस्ड, ठीक है। ये जो है थर्मल पावर प्लांट पीछे भी पढ़ना था, या इस बार भी पढ़ना है, लार्ज एंड माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट, ये पिछले बार भी पढ़ना था, कम पढ़ना था, इस बार थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। सोलर बायोमास के बारे में पिछले बार भी पढ़ना था, इस बार भी पढ़ना है। विंड पावर प्लांट के बारे में पिछले बार नहीं पढ़ना था, इस बार पढ़ना है। स्मॉल विंड टर्बाइन, इसके बारे में पिछले बार नहीं पढ़ना था, इस बार पढ़ना है। इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम, पिछले बार भी था, इस बार भी है, ठीक है। तो कुछ चेंजिंग है, कुछ नया है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट पर। इलेक्ट्रिक सर्किट में देखिए आपका ये जो आपका सिंगल फेज AC सर्किट है, पिछले बार भी पढ़ना था, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ना था, इस बार थोड़ा डिटेल में पढ़ना है।
सिंगल फेज पैरेलल सर्किट यहाँ अलग से स्पेसिफाई किया है, यानी कि भी एक बड़ा टॉपिक इस बार करने के लिए दे दिया है। थ्री फेज सर्किट पिछले बार भी था, इस बार भी है। नेटवर्क रिडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ सर्किट एनालिसिस, ये जो पिछले बार भी था इस बार भी है, बट नाम केवल चेंज है, ठीक है। नेटवर्क थ्योरम जो था पिछले बार भी था, इस बार भी है। तो ये भी टॉपिक को मैं फुल डिटेल्स में आपको पढ़ाऊंगा, लाइव में भी, रिकॉर्डेड में भी, तो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो है आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट है, इसमें देखिए आपका फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पिछले बार भी सब बेसिक स्पेसिफाई नहीं किया था, बट पढ़ना था। मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ये भी पढ़ना है। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर पिछले बार भी था, इस बार भी है। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पिछले बार भी था, इस बार भी है। सर्किट पैरामीटर CRO, अदर मीटर जो है, थोड़ा सा CRO के यहाँ पर ऐड किया है। हाई रेजिस्टेंस से सब मेथड में कुछ कुछ ऐड किया है, यानी कहने का मतलब मेजरमेंट जो है 90% प्रीवियस सिलेबस से मिलता है, 10% कुछ चेंजिंग किया है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर का, तो DC जनरेटर स्पेसिफाई करके दे दिया है, जो कि पिछले बार मैं स्पेसिफाइड नहीं किया था। DC मोटर दे दिया है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर है, स्पेशल पर्पज ट्रांसफार्मर है, इतना चीज आपको दिया हुआ है। यहाँ पर स्पेशल पर्पज ट्रांसफार्मर जो है, स्पेशल पर्पज ट्रांसफार्मर है, इसमें पिछले बार में भी कुछ पार्ट दिया था, लेकिन इस बार स्पेसिफाई करके सारे पार्ट को दे दिया है। बाकी ट्रांसफार्मर थ्री फेज सिंगल फेज, DC मोटर, DC जनरेटर लगभग वही है, कुछ टॉपिक को ऐड किया है, यानी कि बोल सकते हैं कि प्रीवियस जैसा था वैसा ये भी है, क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, आपका एक सब्जेक्ट और है, फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये टॉपिक बिल्कुल नया है, पिछले ओल्ड सिलेबस में इलेक्ट्रिकल वाले को नहीं दिया था, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को पढ़ना था डिजिटल। तो ये आप थोड़ा सा, तो आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में, तो लॉजिक गेट के बारे में, कम्बिनेशनल सर्किट पूरा नहीं पढ़े होंगे, बट यहाँ पर आप फुल डिटेल में पढ़ेंगे। सिक्वेंशियल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर डायोड वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, BJT के बारे में पढ़ेंगे, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये सब आपका पांचों आपका सिलेबस हुआ, तो पांच सब्जेक्ट है, तो हम लोग पांचों सब्जेक्ट को फुल डिटेल में पढ़ा रहे हैं। तो पांचों सब्जेक्ट का बैच जो है सो बहुत ही जल्दी आपका स्टार्ट होने वाला है। आपका कुछ सब्जेक्ट का यूट्यूब पर भी चलेगा, नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा जब भी स्टार्ट होगा तो। और यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करें, और दोनों माध्यम से पढ़ाया जाएगा, यूट्यूब पर भी कुछ सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, ऐप में भी पढ़ाया जाएगा। तो यदि आप बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लें। बाकी दोस्तों को नए सिलेबस का जानकारी जरूर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि सभी दोस्तों को ये नए सिलेबस के बारे में जानकारी हो जाए कि क्या चेंजिंग है पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग। पुराने सिलेबस में क्या था, नए सिलेबस में क्या था, मैं अच्छी तरीके से डिस्कशन करने का कोशिश किया हूँ। और इसमें दो सब्जेक्ट का मेरा खुद का बुक भी मार्केट में बहुत जल्दी आएगा, तो जो फाउंडेशन पब्लिक का होगा, जो कि बहुत जल्दी कमिंग सून में है। एग्जैक्ट डेट मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि उसके वर्क भी जारी है। तो बाकी और कुछ अगर आप बोलना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। बाकी फिर मिलेंगे नए वीडियो में, नए एनर्जी, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।